नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही डिलीशियस यम्मी और देखने में तो लाजवाब नारियल की मिठाई। जी हाँ दोस्तों, हम आज आपके लिए लाए हैं नारियल की मिठाई। आप देख रहे हैं ना कितना परफेक्ट बना है हमारा नारियल की मिठाई, और दुकान से भी बहुत ही लजीज है क्योंकि हमने इसमें किसी तरह का कोई भी मिलावट नहीं किया है, बल्कि घर में एक कटोरी दूध, एक कटोरी चीनी और बस एक कटोरी नारियल के बुरादे से इसे बना के तैयार किया है। जी हाँ दोस्तों, आपको यकीन नहीं ना हो रहा तो देखिए, आप पूरा वीडियो देखिएगा, आपको यकीन भी हो जाएगा। और जब आप इसे अपने घर में बनाएंगे ना दोस्तों, तब तो आप ज़रूर यकीन कर लेंगे। इसे इतना टेस्टी, इतना डिलीशियस जो मिठाई है वो आप अपने घर में बना सकते हैं। चलिए मैं इसे आपको काट कर दिखाती हूँ। देखिए ये कलरफुल भी है, ऊपर से पीला और अंदर से उजला दिख रहा है ना दोस्तों, है ना ट्विस्ट। और एक मैं दिखाऊंगी, उसमें अंदर से पीला और बाहर दोनों कवर जो है उजला है। तो यही तो खास बात है, घर में हम किसी भी तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं। ये देखिए अंदर भाग पीला और दोनों साइड उजला, तो क्यों नहीं घर पे बनाया जाए। चलिए आप भी बनाइए और हम भी बनाना बताते हैं आपको। तो इसके लिए हम कुछ सामग्री लेंगे। ये लिया है मैंने एक कटोरी नारियल का बुरादा, साथ में चीनी, ये लगभग 100 ग्राम चीनी है, दूध 150 ml दूध है यहाँ पे, और ड्राई फ्रूट्स में मैंने लिया है काजू, इसे मैंने कट कर लिया है, और बादाम, इसे मैं कद्दूकस कर लिया है। इसे आप जिस भी शेप में चाहे काट सकते हैं, और साथ में इलायची टेस्ट के लिए ऑप्शनल है, आप चाहे तो मिलाए, नहीं चाहे तो नहीं मिलाए। और कलर के लिए लिया हमने हल्दी, आप चाहे तो फूड कलर का यूज कर सकते हैं, बट हम हल्दी यूज करेंगे। हम पैन में दूध डालेंगे, सभी दूध नहीं डालेंगे, लगभग 100 ग्राम के आसपास मैंने दूध यहाँ यूज किया है। इसे अच्छे से मिला लेंगे, उबाल आने देंगे। जब ये उबल जाएगा फिर हम इसमें ऐड करेंगे घी। देखिए दोस्तों, हम सिर्फ यहाँ 1 से 1.5 चम्मच का ही उपयोग करेंगे घी का, ज़्यादा घी हम यूज करेंगे ही नहीं। देखिए बस लगभग 1 चम्मच मैंने यहाँ घी का उपयोग किया है, इससे ज़्यादा हमें घी की ज़रूरत नहीं है। तो ये हेल्दी भी हो गया, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं जाएगा इस मिठाई में जो आपकी हेल्थ के लिए नुकसान होगा, ना ही कोई कलर, ना ही कोई मिलावट। अब हम ऐड कर देंगे चीनी और इसे अच्छे से मिला लेंगे। हम इसे अच्छे से घुलने देंगे, पकने देंगे, मीन्स हम इसे चाशनी की तरह बनाना है। तो ये देखिए अच्छे से हम इसे मिलाते हुए चलाते हुए पकाएंगे ताकि ये पैन में लगे नहीं। और आपकी पैन अगर नॉन स्टिक नहीं है तो आप इसे कंटिन्यू चलाते रहें, बीच में बिल्कुल भी ना छोड़ें, नहीं तो ये एक तरफ से कहीं कहीं चिपक जाएगा। तो इसे अब हम चलाते हुए पका लेंगे। लगभग 5 से 7 मिनट आपको ये प्रोसेस करने में लग जाएगा। हमारा जो ये चाशनी है गाढ़ा हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब हम इसमें ऐड कर देंगे ड्राई फ्रूट्स, ये ऑप्शनल है दोस्तों, आप चाहे तो मिलाएं और नहीं चाहे तो नहीं मिलाएं। और अत्यधिक और भी ड्राई फ्रूट चाहते मिलाना तो आप मिला सकते हैं। अब हम कूट के मिलाएंगे यहाँ पे इलायची, आप चाहे तो केसर भी मिला सकते हैं दोस्तों। हम यहाँ डाल देंगे नारियल का ये बुरादा, आपको मार्केट में इजली मिल जाता है, आप ये मार्केट से ला सकते हैं, नहीं तो आप घर में भी बना सकते हैं, या फिर आप कच्चे नारियल का भी बना सकते हैं ये मिठाई। तो टेंशन नहीं लेना, कोई बात नहीं, बुरादा नहीं है तो आप कच्चे नारियल का बना ले, उसे कद्दूकस कर ले या मिक्सी में ग्राइंड कर ले। इसे अच्छे से हम मिलाते हुए पकाएंगे, बहुत स्मूथ डो की तरह हमें इसे पकाना है बहुत अच्छे से। इस प्रोसेस में भी दोस्तों 5 मिनट लगता है, ये मिठाई बनाने में हमें 10 से 15 मिनट लगता है, इससे ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगता है।
और ये बनने के बाद तुरंत खा सकते हैं आप। इसे ये नहीं कि ठंडा करना है, फ्रिज में रखना है या 2 घंटे बाद सेट करके खाना है, ये तुरंत सेट हो जाता है। इसकी ये ख़ास बात है, आपके चम्मच में ऐसे चिपक जाए तो उसे हटाते हुए पकाएं, ताकि ये नहीं कि चम्मच वाला जो हमारा जो मिश्रण है वो ना पके या फिर ज़्यादा पक जाए। ये देखिए लगभग हमारा तैयार हो गया है मिश्रण। अब हम इसे 2 अलग अलग थाल में निकालेंगे, आधे आधे के रेशियो में 2 अलग अलग थाल में निकालेंगे। पहले मैं एक थाली में निकाल लेती हूँ और अब मैं दूसरी प्लेट में निकाल लेती हूँ। ऐसा क्यों किया ये भी आपको पता चल जाएगा दोस्तों, क्योंकि हम एक प्लेट वाले मिश्रण में मिलाएंगे हल्दी। इसे थोड़ा फैला दें जिससे कि ये थोड़ा ठंडा हो जाए, लेकिन बहुत ठंडा करना ही नहीं है दोस्तों, वरना मिठाई नहीं बन पाएगी। ये थोड़ा गर्म है तो ध्यान से इसे मिक्स करेंगे, और पहले तो चम्मच की मदद से मिक्स कर लें, फिर उसके बाद हम इसे अपने हथेली की मदद से, उंगलियों की मदद से मिक्स करेंगे। लेकिन दोस्तों जब आप मिक्स करना तो ध्यान रखना, क्योंकि इसे थोड़ा गर्म में ही करना है, तो उंगलियां ना जले, जितना सह सके उंगली उतने गर्म में ही आप मिक्स करें। ये देखिए मिक्स हो चुका है मिश्रण हल्दी में, पीला कलर आ चुका है, और ये जो दूसरा है जो वाइट कलर है इसे भी मिक्स करके अब हम इसे मुट्ठी की सहायता से इस तरह ओवल शेप में बना लेंगे। सभी टुकड़ों को इस तरह बांट के ओवल शेप दे देंगे, मतलब डो को लेना है और उंगलियों के बीच मुट्ठी में दबाते हुए इस तरह से बना लेना है। हमने सभी वाइट वाले मिश्रण को बना लिया, अब येलो वाले को उसी तरह से हम राउंड शेप देते हुए मुट्ठी के बीच में दबाते हुए बना लेंगे। और अब देखिए दोस्तों मेन प्रोसेस, अब हम क्या करेंगे, दोनों वाइट वाले रोल को साइड में रख के बीच में येलो वाले रोल को डाल के ठीक से पैक कर देंगे, यानी बीच में येलो और दोनों साइड वाइट वाला मिश्रण डाल के अच्छे से पैक कर देंगे और गोल कर लेंगे। ये देखिए गोल करके हम इसे नारियल के बुरादे में लपेट देंगे, यानी नारियल के सूखे नारियल में कोटिंग कर देंगे, जिससे ये देखने में बहुत ही डिलीशियस और यमी दिखे। तो हम इसी तरह से सारे प्रोसेस करेंगे, दोनों साइड वाइट वाला रोल और बीच में येलो रोल को डाल के अच्छे से ओवल शेप देंगे, और उसके बाद हम इसे सूखे नारियल में कोट कर देंगे। इसी तरह से हम सभी मिठाई को बना कर तैयार करेंगे। ये देखिए कोटिंग के बाद ये बहुत ही खूबसूरत दिखता है, बहुत ही डिलीशियस दिखता है। तो दोस्तों हो गई ना आपकी हलवाई जैसी मिठाई तैयार, और कितना इजी था इसे बनाने में, बस 15 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं लगते, 10 से 15 मिनट काफ़ी है दोस्तों। तो हम इसी तरह से सारी मिठाई को तैयार कर लेंगे। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, द इंडियन रसोई को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। ये रेसिपी आपने अगर घर में बनाई है तो कमेंट करके बताएं कि आपकी मिठाई घर में कैसी बनी, और लोगों ने क्या कहा, मीन्स आपके घर के लोगों का क्या प्रतिक्रिया रहा ये मिठाई खा के, ये भी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।